अस्सलाम वालेकुम क्लास क्लास, आज हम चैप्टर नंबर 2 की प्रॉब्लम नंबर 2A कर रहे हैं, जो कि आपकी बुक का पेज नंबर 71 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह क्या रही है, द फॉर्मिंग सिक्स ट्रांजेक्शन ऑफ एजेक्स मूविंग कंपनी अ कॉर्पोरेशन आर समराइज टू इक्वेशन फॉर्म विद ईच ऑफ सिक्स ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई बाय अ लेटर। बाय अ लेटर मीन्स ए बी सी डी। ये देखिए, आप क्वेश्चन अगर अपनी बुक में देखें तो ए बी सी डी के थ्रू आपको वो बता दिए गए हैं। ये आपको प्रिपेयर करके दी गई है एक अकाउंटिंग इक्वेशन, आपने इसके इफेक्ट्स बताने हैं कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है एंड देन सेकंड में क्या हो रहा है। अगर हम फर्स्ट में देखते हैं तो हमें पता चला ए ट्रांजेक्शन में कैश में से माइनस हो रहे हैं 3200 और इक्विपमेंट में ऐड हो रहे हैं। अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो मीन्स हमने इक्विपमेंट बाय किए हैं थ्रू कैश। इसकी एंट्री क्या आएगी, परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम कैश रुपीज 3200 या परचेजेस फ्रॉम कैश इक्विपमेंट रुपीज 3200। ओके, एंड देन बी में देखे हैं तो हमें पता चल रहा है 900 ऐड हो रहा है और अकाउंट रिसीवेबल्स में से माइनस हो रहा है। मींस जो रिसीवेबल्स हमें रिसीव होने थे वो इन फॉर्म ऑफ कैश हमें हो गए हैं। नेक्स्ट, रिसीव 900 कैश फ्रॉम कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल से हमें जो कलेक्शन होनी थी उसमें से 900 हमें ऑलरेडी रिसीव हो गए। थर्ड में देखे तो माइनस हो रहा है 3500 और फिर इक्विपमेंट में ऐड हो रहा है 13,050 रुपीज़ एंड 10,000 हमारे अकाउंट रिसीवेबल में ऐड हो रहा है। मीन्स हमने परचेजेस की हैं, इक्विपमेंट बाई की हैं 13,500 की, जिनमें से जो हमने अकाउंट पेबल्स पे लिए हैं यानी कि उधार पे लिए हैं वो 10,000 हैं, 10,000 है, और जो हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं इन फॉर्म ऑफ कैश वो है हमारी 3,500। अब एंट्री करते हैं, परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम रुपीज़ 13,500 की हमने टोटल बाइंग की है एंड पे कैश 3,500 हमने पे किया है एंड 10,000 आर रिमेनिंग। 10,000 जो रिमेनिंग है वो हमारा अकाउंट पेएबल कंसीडर होगा, अकाउंट पेएबल। अब अगर फोर्थ एंट्री देखें तो 14,500 हमारा लेस हो रहा है कैश में से और वहाँ पे 14 माइनस ही हो रहा है 14,500 हमारा अकाउंट रिसीवेबल में से। मींस हमने अकाउंट रिसीवेबल की कोई अमाउंट पे करनी थी वो हम पे कर चुके हैं इन फॉर्म ऑफ कैश। डी एंट्री देखें तो अकाउंट रिसीवेबल इज पेड इन फॉर्म इन कैश रुपीज 14,500 हम पे कर चुके हैं। ई देखते हैं, प्लस हो रहा है 15,000 हमारे कैश में और वहाँ से 15,000 ही एंटर हो रहा है हमारे कैपिटल स्टॉक में। तो 15,000 कैश वॉज रिसीव फ्रॉम द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कैश स्टॉक कैपिटल स्टॉक सॉरी फॉर्म ऑफ कैपिटल स्टॉक हमें 15,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। एंड योर लास्ट एंट्री इज जो के हो रही है इक्विपमेंट में 7,500 एड हो रहे हैं और वहीं पर 7,500 एड हो रहे हैं हमारी अकाउंट पेबल्स में लाइबिलिटी साइड में। मीन्स कि हमने इक्विपमेंट बाय किया है लेकिन इन लाइबिलिटीज़ पे तो वो हमारे अकाउंट पेबल में भी ऐड हो गया है। परचेज इक्विपमेंट 7,500 फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमारी लाइबिलिटी है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।